नमस्कार फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसका फायदा आज के समय में देश का हर किसान उठा सके। इस योजना के तहत हर किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये डाले जाते हैं, लेकिन अब इस योजना में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। 33 लाख लोगों के गलत खातों में पैसा जाने के बाद इस योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि यानी कि 6,000 रुपये सालाना उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनके नाम से खेत होगा। मतलब ये कि किसानों को खेत का नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज अपने नाम से करना जरूरी है। अब तक किसान अपने नाम के खेत के साथ साथ पुरखों के नाम के खेत के भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि LPC निकाल कर इसका फायदा ले रहे थे, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल कृषि भूमि का अपने नाम पर नामांतरण ना कराने वाले किसानों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। अब इस योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे नए आवेदकों को आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर का भी जिक्र करना होगा। ऐसे किसान परिवार जिनके पास संयुक्त रूप से खेती की जमीन है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इस नए नियम के मुताबिक किसान के अपने नाम की जमीन होना काफ़ी जरूरी है। किसानों को अब अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, बदले गए नियमों के अनुसार यदि कोई किसान किसी दूसरे किसान की जमीन को किराए पर लेकर खेती करता है तो भी उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो बदलाव किया गया है, इसके बारे में बात करें तो अब इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जिनको अपने नाम से जमीन है, यानी कि दूसरों के खेत में खेतीबाड़ी करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ अब नहीं मिल पाएगा। अपने नाम पर किसान की जमीन होनी चाहिए, तभी अब से इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और जो किसान पहली बार इस योजना पर आवेदन कर रहे हैं, उसे अब अपने जमीन के प्लॉट नंबर का भी फॉर्म में जिक्र करना होगा।